बिहार में अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। इस बीच दरभंगा के हायाघाट विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र नाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को देर रात अपराधियों ने गोली मार दी। चिंटू सिंह को 2 गोली लगी है। खबरों के मुताबिक निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र नाथ सिंह गुरुवार को चुनाव प्रचार खत्म करके अपने गांव दुगौली लौट रहे थे। इसी दौरान उनको किसी का फोन आया। फोन आने के कुछ ही देर बाद उनकी कार को कोठरी के पास कुछ बदमाशों ने रोक लिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चिंटू सिंह को 2 गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल चिंटू सिंह को DMCH में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी गोली मारने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। पीड़ित के होश में आने के बाद बयान लिया जाएगा। फिलहाल हर पहलू की जांच की जा रही है, लेकिन पीड़ित के बयान का इंतजार है। आपको बता दें कि हायाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र नाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट RJD ने भोला यादव और BJP ने रामचंद्र साह को प्रत्याशी बनाया है। न्यूज़ डेस्क।